हे गाइस, आज जन्माष्टमी है तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस आज जन्माष्टमी तो मैंने सोचा क्यों ना कान्हा जी के लिए एक अच्छा सा भोग तैयार किया जाए। तो बस मैंने एक कान्हा जी के लिए अच्छा सा एक भोग बनाया है, तो आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, उसमें मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से काजू डाले हैं। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश भी ले लूँगी। और बस इसमें थोड़ा सा मेरे पास मखाने भी रखे हुए थे तो मैंने वो भी काट के इसमें डाल दिए हैं। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मैं फ्लेम एकदम स्लो रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, मीडियम भी नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको हमें रोस्ट करना है। ये कसा हुआ नारियल है, एक चम्मच के लगभग है, आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। बस मैं ये भी रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया था क्योंकि नारियल बहुत जल्दी ही जल जाता है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ किया है। बस मैं ऐसे थोड़ा सा इसको चला लूँगी, उतने में ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। सारे हमारे रैफल्स रोस्ट हो चुके हैं, अभी मैं इन सबको साइड में रख देती हूँ। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने एक कप दही लिया है। दही मेरा घर का जमाया हुआ है, घर का दही लिया है क्योंकि ये खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। आप खट्टा दही नहीं लेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि खट्टे दही में उतना फ्लेवर नहीं आएगा। तो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर पिसी हुई 2 चम्मच चीनी डालूँगी। आप चाहो तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम खाते हो तो कम भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। बस यहाँ पे मैं चीनी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए कितना पतला थोड़ा लग रहा है, दही हमारा पतला हो गया है। अभी मैं यहाँ पे बस मेरे पास 2 बनाना रखे हुए थे तो मैंने बस 2 बनानों को काट के और उसको अच्छे से डाल दिया छोटे छोटे पीस करके। आप चाहो तो कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो जो आपको पसंद हो। मुझे बनाना अच्छा लगता है तो मैंने बनाना लिया है क्योंकि कान्हा जी के भोग में बनाना तो ज़रूर ही चढ़ता है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे इडली सब मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अभी बस मैं इसको सर्व कर लूँगी एक बाउल में। और कान्हा जी का भोग हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। ये देखिए मैं इसमें सर्व कर लूँगी और सीधा कान्हा जी के लिए भोग के लिए हमारा रेडी हो जाएगा। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, कान्हा जी को ये वाला भोग लगा के ज़रूर देखिएगा। आपको मेरा ये कान्हा जी का प्रसाद अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके ज़रूर बताना कि आपको ये भोग कैसा लगा। यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू बादाम ये सब थोड़ा सा निकाल लिया था, किशमिश वगैरह, वही मैं ऊपर से इसमें गार्निश कर रही हूँ। इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे। और थोड़ा सा मेरे पास अनारदाने रखे हुए थे तो मैंने वो भी इसमें डाल दिए हैं। आप अपनी चॉइस से भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स या कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने तुलसी भी इसमें डाली है क्योंकि तुलसी के बिना तो कान्हा जी का भोग रेडी ही नहीं हो सकता है। कान्हा जी के भोग में जब तक हम तुलसी नहीं डालेंगे तब तक कान्हा जी तो भोग ग्रहण नहीं करेंगे, तो तुलसी डालना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। तो बस यहाँ पे कान्हा जी का भोग रेडी हो गया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कान्हा जी का भोग प्रसाद कैसा लगा। तो बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।